सांसद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हैं। सर, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है, मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना करके, लेकिन विपक्ष इसमें कह रहा है कि ये एक सिंबल की राजनीति हो रही है। कोई सिंबल नहीं है, राष्ट्रपति कोई सिंबल नहीं होता। राष्ट्रपति संवैधानिक हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इसलिए सिंबल का ही राजनीति है। तो ये लोग अभी तक क्यों नहीं किए थे, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कभी बनाया, सिंबल हेड सिंबल के नाम पर ही दिया। तो कुछ नहीं है, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ये लोग चित्त हो गए हैं, जो मोदी जी का ट्रंप कार्ड चला है मास्टर स्ट्रोक, उसमें चित्त हो गए हैं। पहले विपक्ष के पास जब गए थे कि सरकार के लोग, तो उन्होंने कहा कि किसी नाम के साथ नहीं आए। जब नाम अनाउंस हुआ तो उन्होंने बोला कि किसी से परामर्श नहीं लिया गया। तो वही ना, जब यदि पहले जाते तो कहते थे डिक्टेट कर रहे हैं कि नाम लेकर के आए हैं। जब सब लोगों की राय ले ली गई है और जब नाम दिए हैं तो अब दूसरी राजनीति कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि इसमें राष्ट्रपति का पद है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कोविंद जी राष्ट्रपति बन गए हैं, सर्वसम्मति से जो है इनके नाम का जो है वो समर्थन करना चाहिए। लेकिन सर, NDA में खुद ही घटक दल है शिवसेना, उनकी तरफ से इस पर नाराजगी जताई? कोई नाराजगी नहीं है, शिवसेना बोलते रहती है लेकिन लास्ट में साथ देगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो रामविलास पासवान जी थे जो कह रहे थे कि विपक्ष को विरोध करने का बहाना चाहिए। कैमरा पर्सन एमएनओ के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज़ दिल्ली।